पानीपत में अतिक्रमण अति संवेदनशील मामला बनता जा रहा है। हाईवे पर हर वक्त का जाम रहने से लोगों को जाम में रहने और जाम को सहने की जैसे आदत सी हो गई है। स्काईलॉक रोड से शहर में प्रवेश करें तो जाम, सुखदेव नगर से अंदर आए तो भी लंबे जाम से जूझना पड़ेगा। इंसार बाजार और पचंगा बाजार में प्रवेश कर गए तो सिवा पछताने के और कुछ नहीं मिलेगा। एससी कॉलेज रोड हो या फिर संजय चौक का मोड़, ट्रैफिक अराजकता कदम कदम पर पैर पसारे हुए है। और तो और, गोहाना मोड़, चटल रोड या फिर असंध मोड़, क्योंकि फास्ट रोड होने चाहिए थे, वे इसलिए नहीं है क्योंकि इन मोड़ों पर सवारी जीप या ऑटो सवारी के इंतजार में ब्रेक लगाकर रखते हैं। और ट्रैफिक पुलिस, निजी कार्यालयों में कार्यरत मामूली नौकरी करने वालों का चालान तो काटती मिलेगी, लेकिन मसाल है कि किसी ऑटो या सवारी जीप वाले को ट्रैफिक जवान छेड़ भी दे। ताजुब है कि जीटी रोड पर रेंग रेंग कर चलने वाले वाहनों की स्पीड क्यों रफ्तार नहीं पकड़ पाती, इस सवाल का जवाब पानीपत की जनता के पास है, लेकिन शीर्ष अधिकारी पानीपत की जनता से सुझाव ही लेना पसंद नहीं करते। हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है, हम किसी को भी टोकते हैं, चाहे हम ई रिक्शा को भी बोलते हैं, वो भी हमारे दुकान का फोन लगा देता है कि अभी आप बात करो, ऊपर से फोन आता है, हमारी मजबूरी हो सकती है। बस अड्डे पर आप देखते हैं, वैसे तो सारी बाहर से ही है, वो पिलर का डिफेक्ट यूज है, सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक कारण भी जाम लगने का। हाँ जी हाँ, क्योंकि हम चालान करने की सोचते हैं, यदि ई रिक्शा रोड पर आ रही है वो हमारे से किसी ना किसी का दबाव में हम छोड़ना पड़ता है, और वो घर में मनमर्जी से चलते हैं। अभी मंत्री या विधायक का फोन आता है, उनके पीओ के फोन आते हैं, उनके पीओ के फोन आते हैं, हर रोज किसी न किसी का दबाव बनाते हैं आपके ऊपर। तो यही बात हो गया कि फोन कर दिया कि भी इसको छोड़ दो, जाने दो, हम ये कर चलो, हमें तो अपनी नौकरी करनी है, अपना अपना काम करने का। जाम के कारण तो 80% में थ्री व्हीलर को गिनता हूँ, थ्री व्हीलर बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन 4-5 हज़ार परिवारों का रोजगार भी है, उन पर अटैक भी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, यदि इसका समाधान निकल सकता है उसके लिए अच्छी प्लानिंग बनाई जा सकती है, लेकिन प्रशासन गंभीर नहीं है। जब चलान हो तो किसी का फोन सुने ना, आप स्विच ऑफ रखें तो चलान तो हो ही गया। कारण शायद ये भी है कि पानीपत के बाजारों में अतिक्रमण का कारण भी बाजार वाले ही हैं। सुनौली रोड हो या फिर चौड़ा बाजार, यहां तक कि इंसार बाजार जैसे संकरे बाजार में भी दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे की जगह फड़ी रेड़ी वालों को दी हुई है। हैरत है कि इंसार बाजार में तो 20,000 रुपए महीना में फड़ी मिल जाए तो भी गनीमत मानिए। अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले ही चौड़ा बाजार में 2 दुकानें जब जल रही थी तब फायर ब्रिगेड को पाल इलेक्ट्रिकल्स तक पहुँचने में 20 मिनट की देरी लगी, जो जाहिर है कि अतिक्रमण के कारण से समय पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बावजूद एक बार फिर से बाजार अवैध कब्जों का शिकार बने नजर आए, क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान देने की जहमत उठाना पसंद करेगा? सी रोड जाम है, जीटी रोड का अतिक्रमण है, फ्लाई ओवर के लिए इतनी व्यवस्था दे रखी है हम लोगों ने, इसके बावजूद लोग फ्लाई ओवर का यूज़ नहीं कर रहे, मेन कारण तो यही है, लोग फ्लाई ओवर के नीचे अच्छी सुंदर साफ, कोई हर दुकानदार को भी अपनी बाइक वगैरह वहाँ खड़ी करनी चाहिए, और हमने तो लिखित में भी बाजारों में दिया है कि अपनी बाइक जो दुकानदार है वो अपनी बाइक वहाँ खड़ी करें, देखो ग्राहक तो बाइक लेके आएगा, उनको पानी भी चाहिए, उनके बिना तो गुजारा भी नहीं है, लेकिन हम दुकानदारों को चाहिए अपनी बाइक कार वगैरह सारी फ्लाई ओवर के नीचे खड़ी करें, और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। और जो फायर हुए बड़ी दुखद घटना है, तो देखते हुए भी लोग समझ जाए, दुकानदार समझ जाए कि जो अपना व्हीकल दुकान पे लेके आते हैं वो फ्लाई ओवर के नीचे खड़ा करते हैं। सर, आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो हमारा यही कहना है कि प्रशासन को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि यार रास्ते में जैसे फायर ब्रिगेड आने में देर लगी वो नहीं होनी चाहिए, कि 15-20 घंटा लगे यहाँ पर, एक फायर ब्रिगेड फंस गई थी इस वजह से वहाँ पर बड़ी परेशानी हुई, बाकी फायर ब्रिगेड का अच्छा रोल रहा, उन्होंने सही टाइम पर अपने काबू पा लिया। ठीक होती थी कि गैस का काम है सर ऊपर, तो छोटे सेंटर का यूज़ किया जाता था तो काफ़ी भारी मात्रा में इसका नुकसान हुआ है। आपने समय पे जो फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी, उसके तुरंत आ गई, वाइट जो थी अंदर वो छोटी थी जिससे काबू नहीं पा गया आग पर, तो
15 मिनट बाद ही 4-5 फायर ब्रिगेड हो रहा थी जिससे आग पर काबू पाया गया। उसका कारण था जी, एक तो संडे होता जी और बाजारों में सेल वगैरह लगी होती है, अंदर आने का स्थान नहीं था, और एक यूपी की गाड़ी जो पालिका बाजार के अंदर लगी हुई थी उसमें बहुत हमारे को दिक्कत हुई जिससे 15-20 मिनट वो लेट हुआ। सर इतवार का दिन है और मार्केट में लोगों ने फुट कर रेडी लगाते हैं जिसकी वजह से 10-15 मिनट की देरी हुई, लेकिन उसके बाद आने के बाद उन्होंने तुरंत अपना काम, 15-20 बंदे वो थे 50-60 मार्केट के थे, 80-100 बंदे तीनों तरफ से लग गए, दाएं से बाएं से और सामने से। बाजार बिल्कुल, बाजार तो इतना खुला है, लोगों ने अतिक्रमण इतना कर रखा है, उसके बाद रेडियां वगैरह काफ़ी लगती हैं, लोग पार्किंग दुकानों के आगे बाइक लगा के चले जाते हैं, आगे मतलब बाजार में चले जाते हैं, सारी पार्किंग यहीं लगती है क्योंकि ये सड़क ज़्यादा चौड़ी है, लोग उनके नीचे पार्किंग बनाई है, लोग उस सुविधा का फ़ायदा नहीं उठाते, कुछ ही लोग हैं जो बाहर से आते हैं उनको तो पता ही नहीं कि पार्किंग भी है, जागरूक नहीं है लोगों को, कईयों को तो पता ही नहीं है, जिनको पता है वो तो पुल के नीचे लगाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी है हम भी पुल के नीचे लगा के पैदल आते हैं। जब तक मैं तो बड़ा बुखलाया हुआ था, मुझे नहीं पता मेरी बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है, सहयोगियों ने सबने ये बताया और हमें भी ये लग रहा था कि हमें तो समय पर इतला कर दिया था, आग लगने के तुरंत 5-7 मिनट में ही मेरे सहयोगियों ने फ़ोन कर दिया था, लेकिन सुनने में ये आया कि बाहर पालिका बाजार गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी खड़ी होने के कारण उनको बहुत परेशानी हुई और जो बाहर लोग स्टॉल लगाते हैं रेडियो के, इस चक्कर में वो बहुत थोड़ा लेट हो गए और आग ने अपना बहुत ज़्यादा आग लग गई उससे, और अपने उन्होंने आकर अपना काम किया लेकिन बहुत अंदर तक पहुँचने में उनको काफ़ी देर लग गई। जो गाड़ी इससे मतलब पार्किंग में खड़ी हों तो वो समय पर पहुंच जाती। हाँ, अगर वो अगर नहीं होती तो देखो जी, अगर कोई रास्ता क्लियर हो तो कोई क्यों नहीं पहुँचेगा, अंदर तक पहुंचने में उनको 20-25 मिनट इसलिए लग गए भी कोई गाड़ी किसी आड़ी खड़ी कोई टेढ़ी खड़ी या पार्किंग में कोई सिस्टम नहीं है, अदर रस्ते में सामान खड़ा था, तो जैसे वो आए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।